गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बेल्ट में रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन इन फ्लैट बेल्ट इस सूत्र को सिद्ध करेंगे, यानी एक चपटा पट्टा चालन में तनावों का अनुपात क्या होता है। हमको ये ज्ञात है कि बेल्ट में एक साइड में बेल्ट में तनाव ज़्यादा होता है, एक साइड में बेल्ट में तनाव कम होता है। जिस ओर बेल्ट कसी हुई होती है, टाइट होती है, वहाँ बेल्ट तनाव ज़्यादा होता है, हम इसे T1 से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से जिस ओर तनाव कम होता है उसे T2 से प्रदर्शित करते हैं। इसी का अनुपात e^μθ, यानी तीन पद हैं T1, T2 और θ। T1 टेंशन इन टाइट साइड, ये न्यूटन में है, ये एक प्रकार का बल है। T2 टेंशन इन स्लैक साइड, ढीली साइड में तनाव, यह भी न्यूटन में है। थीटा छादन कोण, एंगल ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है। कैसे सिद्ध करेंगे, तो ये प्रश्न आपके सामने है। जैसे वर्ष भी लिखा हुआ है कि T1/T2 बराबर e^μθ सिद्ध कीजिए। T1, T2, μ और θ क्या है लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे सिद्ध। ये बेल्ट का पोर्शन दिखाया गया है, एक घिरनी दिखाई गई है। इसमें आप टाइट साइड देख सकते हैं, स्लैक साइड देख सकते हैं, तनाव T1 टाइट साइड में है, तनाव T2 स्लैक साइड में है, ठीक है। और ये बेल्ट जिन दो बिंदुओं पर छा रही है उनके बीच का कोण केंद्र पर जो अंतरित हो रहा है पुली के केंद्र पर, वो थीटा है, एंगल ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। अब अगला चित्र हम देखेंगे। हमने एक अल्पांश लिया PQ, हम सूत्र सिद्ध करने जा रहे हैं T1/T2 = e^μθ। उसके लिए हमने जो पिछला चित्र था उसका एक छोटा सा भाग लिया PQ। यह PQ केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है dθ। इसका ऊपर वाला कोण हुआ dθ/2, नीचे वाला कोण हुआ dθ/2। माना कि स्लैक साइड में तनाव T है, तो टाइट साइड में तनाव हो गया T+dT, थोड़ा सा ज़्यादा, अल्पांश भाग है। तो T1 संपूर्ण बेल्ट के लिए, T2 संपूर्ण बेल्ट के लिए। T1 टाइट साइड में, T2 स्लैक साइड में, अल्पांश पर T स्लैक साइड में और टाइट साइड में T+dT। R रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, μr घर्षण बल है। चार बल दिखाए गए हैं, T, T+dT, R और μr। R हॉरिजॉन्टल बल है, μr वर्टिकल है, T और T+dT इंक्लाइंड है। इनके कॉम्पोनेंट करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। डायग्राम की सिमेट्रिसिटी से पता चलता है कि इनके वर्टिकल से एंगल dθ/2 होगा, जो अगले चित्र में आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। आप देख सकते हैं R पहले भी था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, μr वर्टिकल डायरेक्शन में था, T इसके दो कंपोनेंट करे ऊपर वाले क्वाड्रेंट में है, dθ/2 एंगल बनाती हुई साइड पर इसका कंपोनेंट है T cos dθ/2। एरो भी दिखाया गया ऊपर की ओर। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में T sin dθ/2, ये T के दो कंपोनेंट हुए। इसी प्रकार नीचे के क्वाड्रेंट में T+dT है, कोण वही dθ/2 है, तो इधर भी दो घटक होंगे T+dT cos dθ/2, T+dT sin dθ/2। अब कुल मिलाकर के इस चित्र में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तीन फोर्स हैं, R, T sin dθ/2, T+dT sin dθ/2। इसमें से R राइट साइड की दिशा में है, बाकी दो लेफ्ट साइड की दिशा में हैं। इसी प्रकार से वर्टिकल डायरेक्शन में दो ऊपर हैं, एक नीचे है। ऊपर की ओर जो फोर्स आप चित्र में देख सकते हैं μr T cos dθ/2, नीचे की ओर T+dT cos dθ/2। हम बलों का संतुलन करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट हैंड साइड के सभी बलों का योग बराबर लेफ्ट हैंड साइड के सभी बलों का योग। इसी प्रकार से वर्टिकल डायरेक्शन में भी अपवर्ड साइड के सभी फोर्सेज का सम बराबर डाउनवर्ड साइड के सभी फोर्सेज। आप देख सकते हैं बल संतुलन से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर के बल μr + T cos dθ/2,
बराबर टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई टू। हम एक शर्त लगाएंगे, हमने अल्पांश लिया है, अल्पांश बिल्कुल छोटा लेते तो कोण बहुत छोटा हो जाता है। जब कोण अल्प हो, जैसे डी थीटा अल्प है तो डी थीटा बाई टू भी अल्प होगा, तब कॉस का मान एक की ओर अग्रसर होता है, साइन का मान साइन थीटा थीटा हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है, कॉस थीटा एक की ओर अग्रसर होता है। तो म्यू आर प्लस टी इंटू एक बराबर टी प्लस डी टी इंटू एक। अगले समीकरण में ऊपर ऊपर देख सकते हैं, जब कोण अल्प होता है तो कॉस थीटा लगभग एक की ओर अग्रसर होता है। दूसरी आप देख सकते हैं लाइन में, म्यू आर प्लस टी इंटू वन कॉस डी थीटा बाई टू की जगह एक रख दिया, टी प्लस डी टी उधर भी कॉस डी थीटा बाई टू था वहाँ भी वन रख दिया, ब्रैकेट को खोला, टी से टी कट गया, म्यू आर बराबर डी टी एक समीकरण आ गई, समीकरण नंबर एक। ये हॉरिजॉन्टल बल का बैलेंस नहीं था, वर्टिकल बल का बैलेंस था। अब हॉरिजॉन्टल का बैलेंस देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड के बल बराबर लेफ्ट साइड के बल, आर बराबर टी साइन डी थीटा बाई टू, टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई टू, टी साइन डी थीटा बाई टू और टी प्लस डी टी साइन साइन थीटा टेन थीटा के साइन थीटा के बराबर, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा और कॉस थीटा एक हो जाएगा जब अल्प हो। तो आप देख सकते हैं हम आर बराबर टी साइन को हटा देंगे डी थीटा बाई टू, उधर से भी साइन हटा सेकंड पद में डी थीटा बाई टू। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने जूम किया है, आर बराबर टी डी थीटा बाई टू, टी डी थीटा बाई टू डी टी इंटू डी थीटा बाई टू अपॉन टू। दो अल्पांश है डी टी और डी थीटा, इन दोनों का गुणनफल छोटी राशि होगी, उसमें दो का भाग देने पर और छोटी राशि, तो उसको जोड़ना और घटाना नगण्य है, अतः आर बराबर बचा टी डी थीटा। ये समीकरण नंबर दो आई, पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। अब आगे एक में दो का भाग दीजिए तो म्यू आर अपॉन आर डी टी अपॉन टी डी थीटा, तो डी टी अपॉन टी डी थीटा का पक्षांतरण करा उधर चली गई, म्यू डी थीटा बराबर डी टी बाई टी, तो डी टी बाई टी बराबर म्यू डी थीटा। अब आप समाकलन कीजिए, लोअर रेंज टी टू अपर रेंज टी वन, जीरो एंगल से थीटा एंगल तक, डी टी अपॉन टी सूत्र है लॉग एक्स का, लॉग एक्स टू द बेस ई, पढ़ेंगे भी ऐसे ही लॉग एक्स टू द बेस ई, यहाँ होगा लॉग टी टू द बेस ई, टी टू से टी वन, ठीक है। उधर म्यू बाहर निकाला, अंदर सिर्फ डी थीटा बचा, डी थीटा यानी डी एक्स, डी एक्स का समाकलन होगा एक्स, ठीक है। समाकलन के दो सूत्र यहाँ काम में आए, डी एक्स का सूत्र एक्स और डी एक्स बाई एक्स का सूत्र लॉग एक्स टू द बेस ई, तो हमारे पास हुआ लॉग टी टू द बेस ई, उधर आपके इंट्रीगल करने पर हुआ थीटा, लॉग टी टू द बेस ई पर हमने लिमिट रखी टी टू से टी वन तक, इसी प्रकार से म्यू उधर लिमिट हमने रखी जीरो से थीटा, लॉग टी वन माइनस टी टू, टी वन टू द बेस ई माइनस टी टू टू द बेस ई बराबर म्यू थीटा माइनस जीरो। अब लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, अगले स्टेप में हुआ लॉग टी वन अपॉन टी टू टू द बेस ई बराबर म्यू थीटा, लॉगरिथमिक को हटाया तो राइट साइड में ई की पावर बन जाएगी टी वन अपॉन टी टू बराबर ई रेस टू पावर म्यू थीटा। यह है आपके रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन इन फ्लैट बेल्ट है, क्लियर। अब वी बेल्ट में क्या होता है, देखिए दो तरह की बेल्ट होती है, फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट। वी बेल्ट में थोड़ा सा अंतर होगा और वो अंतर होगा आर की गणना में। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, दो जगह संपर्क रहता है, अतः यहाँ पर रिएक्शन जो है आर वन और आर वन है, आर वन और ये जो टू बीटा ये सेमी ग्रूव एंगल है, सॉरी बीटा है सेमी ग्रूव एंगल और टू बीटा है ग्रूव एंगल, खांचा कोण, अर्ध खांचा कोण हुआ बीटा। आर वन रिएक्शन है कॉन्टैक्ट पर, बेल्ट यहाँ पर है, आर वन उधर रिएक्शन है। आर वन के दो कंपोनेंट हुए, आर वन कॉस बीटा आर वन साइन बीटा, इधर वाले आर वन के भी दो कंपोनेंट आर वन कॉस बीटा आर वन साइन बीटा, आर वन कॉस बीटा कैंसिल करेंगे, नेट रिएक्शन आर जो होगी टू आर वन साइन बीटा होगी, यानी यहाँ से आर वन का मान आया आर अपॉन टू साइन बीटा। एफ बराबर फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन दो जगह कॉन्टैक्ट में, दो जगह फोर्स आएगा म्यू आर वन प्लस म्यू आर वन, यानी ये हो जाएगा टू म्यू आर वन, आर वन का मान रखा, अतः फ्रिक्शन फोर्स अब आया म्यू आर अपॉन साइन बीटा। अब पूरा चित्र बदल गया है, केवल और केवल फ्रिक्शन म्यू आर के स्थान पर म्यू आर अपॉन साइन बीटा है,
बाकी वो का वो डेरिवेशन है। पूरा डेरिवेशन जब आप करेंगे तो अंत में आपको सूत्र आएगा टी वन अपॉन टी टू बराबर ई रेस टू पावर म्यू साइन म्यू थीटा अपॉन साइन बीटा। ये म्यू अपॉन साइन बीटा ऐसे कैसे रहेगा, कई जगह म्यू कोसेक बीटा भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से फ्लैट बेल्ट के लिए भी तनाव का अनुपात देखा और वी बेल्ट के लिए भी तनाव का अनुपात देखा। धन्यवाद।